हेलो गाइस, आप देख रहे हैं दीशु फैमिली में आपका स्वागत है। आज हमारे पापा जी आंवला का अचार बनाएंगे। पापा जी कल खेत में से आए थे, राजस्थान में हमारे खेत है ना, वहाँ से आए थे कल, तो आंवला लेके आए थे जो हमने खेत में उगा रखा ना, वो सब्जी वगैरह लेके आए, और केले वगैरह का पेड़ है तो वहाँ से केले, कच्चे केले लेके आए, नींबू लेके आए। फिर पापा कहने लगे चलो ये आंवले लेके आए, आंवले का अचार बनाएंगे। तो मैंने आंवले को उबाल दिया था, पापा कहने लगे चलो मैं खाली बैठा हूँ तो मैं आंवले का अचार बना दूंगा। फिर मैंने आंवले उबाल के पापा को दे दिए, पापा उनको छील रहे हैं, कहने लगे इनको पहले सुखाएंगे आंवले को, सूखने के बाद मैं इनका अचार डालूंगा। हमारे पापा को हर प्रकार की सब्जी आती है बनानी। हमारे पापा ने, पापा जी जॉब वगैरह करते थे ना, पहले फौज में थे, फिर वहाँ से रिटायरमेंट हो गई, फिर दूसरी जगह जॉब मिली पापा को, सरकारी फायर में, मतलब अग्नि दमकल उसमें मिली। तो फिर पापा जी वहाँ अकेले रहते थे, फ्लैट मिला हुआ था सरकार की तरफ से, तो पापा जी वहाँ अपना खाना खुद ही बनाया करते, तो इसलिए पापा को ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कई बार पापा ही सब्जी बनाते हैं, मैं तो मना करती, पापा कहते कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं हमारे पापा जी। हमारे पापा जी ट्रेंड है बिल्कुल सारी सब्जी बनाने में, कुछ भी बनवा लो वही बना देते हैं।